हाय फ्रेंड, वेलकम टू द पोस्टल एग्जाम इन्फॉर्मेशन। आज हम एक ओल्ड पेपर लेके आए हैं जिसमें हमको जीके के बारे में और मैथ्स के बारे में एक क्वेश्चन कौन से आते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जीके के और उनका स्टैंडर्ड और लेवल क्या रहेगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो इसी के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विथ भूटान। भारत के कितने राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर रहेगा 4 राज्य। तो अब हम जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे देना, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये पिछले साल का ही पेपर है जो एमटीएस में पूछे गए थे ये। तो नेक्स्ट है, लूनी नदी निम्न में से किस क्षेत्र में बहती है? तो इसका ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट है, द भाखड़ा डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन है चेनाब, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी सतलुज, ऑप्शन डी रावी। नेक्स्ट है, मालदीव की राजधानी कहाँ है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मालदीव? तो ऑप्शन है माले, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी कोलंबो। तो इस टाइप से जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी पूछ सकते हैं और जो पूर्व में जो राज्य हैं उनकी राजधानी भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है, डांडिया इज अ पॉपुलर डांस ऑफ, ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है, तो वो कौन से राज्य का है? उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? अमजद अली खान इज अ मेस्ट्रो विथ विच इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शन ए सारंगी, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी सरोद, ऑप्शन डी वायलिन। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा कि जो कला के क्षेत्र में कोई हस्तियां है तो उनका वाद्य यंत्र है, उनका जो प्रोफेशन किस टाइप का है उसका बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में मनाई जाती है? रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेट इन ऑनर ऑफ, ऑप्शन ए भगवान शिव, ऑप्शन बी भगवान राम, ऑप्शन सी भगवान विष्णु, ऑप्शन डी भगवान जगन्नाथ। तो आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी अंगूर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। तो इसमें भारतीय संविधान में अनुच्छेद और के बारे में भी पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, साधारण चुनाव कितने वर्षों के बाद होते हैं? जनरल इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर? ऑप्शन ए 5 ईयर, ऑप्शन बी 4 ईयर, ऑप्शन सी 3 ईयर, ऑप्शन डी 6 ईयर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर राधाकृष्ण, डी बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 243, ऑप्शन बी आर्टिकल 324, ऑप्शन सी आर्टिकल 124, ऑप्शन डी आर्टिकल 73। तो इस आर्टिकल से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। पैन का विस्तृत रूप क्या होगा? पैन स्टैंड फॉर, ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट नंबर, ऑप्शन बी पब्लिक अकाउंट नंबर, ऑप्शन सी पोस्टल अकाउंट नंबर, नेक्स्ट ऑप्शन डी परमानेंट अकाउंट नंबर। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के शेयर बाजार को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए फेरा, ऑप्शन बी ट्राई, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी बीएसई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल आर द शेयर मार्केट ऑफ इंडिया? और ए फेरा, बी ट्राई, सी सेबी, डी बीएसई। नेक्स्ट है, हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? तो अभी तो निर्मला सीतारमण है,
तो ये पेपर ओल्ड पेपर है, तो उसके हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, एटॉम न्यूक्लियर इज मेड ऑफ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ, विद्युत बल्ब का तंतु किससे बनता है, ऑप्शन ए तांबे से, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम से, ऑप्शन सी शीशे से, ऑप्शन डी टंगस्टन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व ऑन, ऑप्शन ए 4 मार्च, ऑप्शन बी 16 मार्च, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी 27 मार्च। तो इस टाइप से जो विश्व जल दिवस, महिला दिवस, पर्यावरण दिवस, इस टाइप के हमें याद रखने पड़ेंगे, इनमें से कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन है, तो हु इज कैप्टन ऑफ इंडियन मैन हॉकी टीम, नेक्स्ट ऑप्शन है मनप्रीत सिंह, बी मनप्रीत सिंह, सी सृजेश परतू, बी आकाश द्वीप। तो इस टाइप से भी वुमेन क्रिकेट में, वुमेन का भी आ सकता है क्रिकेट में, हॉकी में, तो मैं खेलों के जो कैप्टन है क्रिकेट को छोड़ के बाकी को याद करने, क्रिकेट का तो जैसे सभी को मालूम ही है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए, फाइंड द ऑड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, ऑप्शन ए स्विमिंग, ऑप्शन बी सेलिंग, ऑप्शन सी डाइविंग, ऑप्शन डी ड्राइविंग। और इसके साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, तो आप ऐसे हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर ज़रूर दीजिएगा, इससे आपका जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी, और इसके रिलेटेड इस जो आंसर और क्वेश्चन आपसे बनते हैं दूसरे, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।